तो हमें ए दिया हुआ है रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, और बी क्या दिया हुआ है बेटा, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, और वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए। तो जब भी ये क्वेश्चन आए ना, एक बात पे हमेशा अपनी नजर रखनी है आपने, मोस्टली क्या होता है ये जो ए और बी ऐसे पी बाय क्यू की फॉर्म में दिए होते हैं ना, इनका प्रोडक्ट वन ही मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी करूंगा तो ऊपर है रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, रूट टू माइनस वन ऊपर है और रूट टू प्लस वन नीचे, तो ये आपको देखते ही पता लग जाएगा यार ए बी तो वन है, ए इंटू बी तो वन है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिखे उसको टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है बताओ, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सोल्व करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, तो प्लस टू एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई कट जाएगा, दो बार एक्स स्क्वायर आएगा दो बार वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपने सीखनी है, तीसरी चीज ये है, जिंदगी में कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे तो अगर आप किसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और समथिंग लिखना है तो क्या होगा बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये बात समझ आ गई, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आगे माइनस टू ए बी जानबूझ के लगाया मैंने ताकि प्लस टू बी और माइनस टू ए बी कट जाए, तो फाइनली क्या रह जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस ये कुछ चीजें इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए तो आपके ऐसे क्वेश्चन 100% सोल्व हो जाएंगे एग्जाम में। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। पहले तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको मैं चेंज करके क्या लिख लूं बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस फोर ए बी, तो माइनस टू ए बी और माइनस फोर ए बी क्या हो गया बेटा बताओ, माइनस सिक्स ए बी लिख दो इसको डायरेक्टली, सबको समझ आ गया, तो क्योंकि ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस फोर ए बी आगे भी पड़ा हुआ था, और ए बी क्या इस क्वेश्चन में वन, ए बी क्या इस क्वेश्चन में बताइए वन, तो ए इंटू बी भी वन हो जाएगा, बोलो आया समझ, तो ए बी वन हो जाएगा तो इसको मैंने हटा दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ए बी वन आ चुका है। तो अब फाइनली जो हमारा पर्पस है ना बेटा, हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, बाकी सब हम कर चुके हैं। तो बताइए, एक बार जाना क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, बताइए ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब समझते हो, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, प्लस बी क्या है हमारे पास, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, इस पूरे का स्क्वायर माइनस सिक्स है। ठीक है जी, बताओ एलसीएम क्या आएगा, रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन, ये रूट टू माइनस वन यहां नीचे है तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, रूट टू प्लस वन, इस रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर साथ में प्लस का साइन है, फिर ये रूट टू प्लस वन हमें दिखाई दे रहा है, फिर यहां पे रह क्या जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, रूट टू माइनस वन, यहां हो जाएगा रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस सिक्स। अब अभी अभी मैंने एक और चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर, आप लिख भी सकते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है, 2 इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 2 इनटू, अब मैं फाइनल क्वेश्चन को यहां साइड में कर रहा हूं, ये यहां पे तो ये हो जाएगा ऊपर, अच्छा ये पूरे का स्क्वायर मत भूल जाना नहीं तो गलत हो जाएगा, पूरे का क्या है स्क्वायर भी है, 2 इनटू रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और नीचे क्या था बेटा,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा बोलो, टू माइनस वन कितना हो गया बेटा वन। बस अब ये क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल आप आराम से देखिए इसको, रूट टू का स्क्वायर क्या हुआ बेटा टू, वन का स्क्वायर क्या हुआ वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36, और एक आगे माइनस सिक्स भी पड़ा हुआ था वो नहीं भूलना, ठीक है 36 माइनस सिक्स तो फाइनल आंसर क्या आया बेटा 30 आया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।